हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, कक्षा 11 की इस भाग में हम द्रवों के तापीय प्रसार पढ़ रहे थे, तापीय गुण पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने ठोसों का प्रसार जाना। ठोसों के प्रसार में यह जाना, जब किसी ठोस का ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ सकती है, जिसके कारण रेखीय प्रसार हुआ था, क्षेत्रफल बढ़ सकता है जिसके कारण क्षेत्रीय प्रसार हुआ था, और आयतन बढ़ सकता है जिसके कारण आयतन प्रसार हुआ था। जबकि द्रव में हमने जाना, द्रव में केवल और केवल आयतन प्रसार होता है, क्योंकि द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो उसके कारण उसमें केवल आयतन प्रसार होता है। और आयतन प्रसार भी दो प्रकार का था। पहला क्या था? सबसे पहली बात, आभासी प्रसार, आभासी आयतन प्रसार, केवल द्रव के आयतन में वृद्धि को जिसमें समझा था। दूसरा था वास्तविक आयतन प्रसार, जिसमें हम द्रव के आयतन में वृद्धि के साथ साथ बर्तन के भी आयतन में वृद्धि का अध्ययन करेंगे, तब आयतन। अब बात करते हैं हम गैसों का प्रसार, गैसों का तापीय प्रसार। तो आज की हेडिंग है गैसों का तापीय प्रसार। हम जानते हैं गैस को जिस बर्तन में जहां छोड़ा जाए वहीं का आकार, इसका ना तो आकार स्थिर होता है ना ही आयतन स्थिर होता है। जब किसी गैस को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की स्वतंत्रता होने के कारण अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अर्थात गैस का आयतन बढ़ जाता है। तो गैसों में आयतन प्रसार और साथ साथ दाब भी बढ़ जाता है, तो गैसों में दाब प्रसार होता है। तो गैसों को ताप बढ़ाने पर दो चीजों का वृद्धि होगी, एक आयतन में परिवर्तन होगा ताप वृद्धि के कारण, आयतन में वृद्धि होगी और किसमें, दाब में वृद्धि होगी। जब आयतन में वृद्धि होगी तो आयतन प्रसार होगा, और दाब में वृद्धि होगी तो दाब प्रसार होगा। इस प्रकार गैसों का ताप बढ़ाने पर आयतन प्रसार होता है और क्या होता है, दाब प्रसार होता है। एक बात ध्यान रखेंगे, आयतन प्रसार में केवल और केवल इसका जो वास्तविक प्रसार और आभासी प्रसार है वो एक ही होता है। तो पहले हेडिंग डाल रहे हैं हम स्थिर दाब पर गैसों का आयतन प्रसार, दूसरे पे क्या होगा, स्थिर आयतन पर गैसों का दाब प्रसार। ठीक है, जब स्थिर दाब रख के हम ताप में वृद्धि करेंगे तो आयतन प्रसार होगा, आयतन में वृद्धि होगी, और अगर हम आयतन को स्थिर रख दें तो दाब में क्या होगी, वृद्धि। क्योंकि हम पीछे समझ लिया इस बात को कि किसी गैस का ताप बढ़ाते हैं तो दो भौतिक राशियां बढ़ती हैं, दाब और आयतन। यदि हम दाब आयतन को, इस दाब को स्थिर रखें तो आयतन में वृद्धि होगी, आयतन प्रसार होगा, और अगर हम आयतन को स्थिर रख के करें तो दाब में वृद्धि होगी। तो हमारे पास दो होंगे, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि, आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि। परिभाषा क्या बन गई, स्थिर दाब पर, किस पर, स्थिर दाब पर एकांक आयतन वाली गैस का ताप एक डिग्री सी बढ़ाने पर जो आयतन में वृद्धि होती है उसे स्थिर स्थिर दाब का आयतन प्रसार गुणांक कहती हैं। क्या कहा, आयतन प्रसार गुणांक। हम इसे चाहें तो हम अल्फा भी लिख सकते हैं, और इसे हम लिख रहे हैं अल्फा। आयतन प्रसार गुणांक होता है स्थिर दाब पर
एकांक आयतन वाली गैस का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने पर जो आयतन में वृद्धि होती है उसे स्थिर आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं गैसों का। अब दाब प्रसार गुणांक क्या होगा? बीटा से प्रदर्शित करेंगे, दाब में वृद्धि बटे प्रारंभिक दाब गुणे ताप वृद्धि, यानी बीटा बराबर डेल्टा पी अपॉन पी इंटू डेल्टा टी। जबकि क्या स्थिर है इसमें? देख रहे हो, ताप बढ़ाने पे दो चीजें बढ़ती हैं, या तो आयतन में वृद्धि होगी या दाब में वृद्धि। जब आयतन में वृद्धि कर रहे हैं तो हम दाब को क्या कर ले रहे हैं? स्थिर। जब दाब में वृद्धि कर ले रहे हैं तो हम आयतन को क्या कर लिया? स्थिर। तो हमारे पास दो प्रसार हो गए, एक आयतन प्रसार और एक हो गया दाब। गैसों को जब भी ताप बढ़ाओगे तो आयतन प्रसार और दाब प्रसार होगा। आयतन प्रसार जो होगा वो आयतन प्रसार गुणांक मिलेगा, उसमें क्या कहेंगे? एकांक स्थिर दाब पर एकांक आयतन वाली गैस का ताप कितने डिग्री सी? 1 डिग्री सी बढ़ाने पर आयतन में होने वाली वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका जो मात्रक आएगा 1/(1/C) आएगा। विमीय सूत्र जो आएगी वो आएगी θ-1। अब स्थिर आयतन पर गैसों का दाब प्रसार, तो परिभाषा क्या हुई? स्थिर आयतन पर गैसों का ताप बढ़ाने पर दाब में वृद्धि होती से हम दाब प्रसार कहेंगे। और दाब प्रसार गुणांक की परिभाषा, स्थिर आयतन पर एकांक दाब वाली गैस का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने पर दाब में होने वाली वृद्धि को हम दाब प्रसार गुणांक कहेंगे। मात्रक क्या? बीटा का मात्रक वही जे कट जाएगा, तो 1/(1/C) और विमीय सूत्र या विमा θ-1। अगर हम आदर्श गैस के लिए बात करते अल्फा बराबर होता है β/1/273 °C होता है। ध्यान रखेंगे आदर्श गैस होती तो आदर्श गैस के लिए दाब प्रसार और आयतन प्रसार दोनों एक ही होते हैं। अब जरा इसको हम गौर करें, ये समीकरण देखें, इसमें ये निश्चित है कि आयतन, इसको यहाँ गुणा कर दें तो डेल्टा वी। हम इस समीकरण को ऐसे भी अगर हम कहें एल्फा बी इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा वी, डेल्टा वी मीन्स आयतन में परिवर्तन, एल्फा वी इंटू डेल्टा टी बराबर वी माइनस बी टी माइनस वी, इस तरफ आएगा तो वही फार्मूला बन जाएगा बी टी बराबर बी जीरो 1+α t। यही फार्मूला हमने पीछे देखिए प्रसार पड़ा, यानी किसी गैस का ताप बढ़ाएंगे तो आयतन और दाब दोनों में क्या होगी? वृद्धि होगी। एक बार हम आयतन को स्थिर रखा तो दाब में वृद्धि निकाल ली ताप। इस प्रकार हम जान गए ठोस द्रव गैसों में प्रसार। एक छोटी सी बात और छोटी सी समझते हैं, जल का आसमान प्रसार जाने। जल का आसमान प्रसार क्या होता है? ठोस द्रव गैस के बारे में जानेंगे, लेकिन जल के बारे में एक जब विशेष बात जान लें, सभी द्रवों का ताप बढ़ाने पर आयतन में क्या होती है? वृद्धि। लेकिन जल का 0 °C से 4 °C तक, 0 °C से 4 °C तक ताप बढ़ाने पर आयतन में क्या होती है? कमी होती है, आसमान प्रसार है। यह जल के अंदर एक विशेष गुण है कि 0 से 4 °C तक जल का ताप बढ़ाएंगे तो आयतन में क्या होगी? कमी। इसके पश्चात ताप बढ़ाने पर आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू।